सरकार की बौखलाहट, सरकार का डर सबके सामने है। जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो जब्त कर लिए जाएंगे, वो अपनी बात कह ना पाए, अपनी बात आपके सामने रख ना पाए, आप उसके बात सुनने को तैयार नहीं हो। आपने मंत्री भेजे हैं, सो ये मंत्री किस बात के लिए हैं? जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले आपने जो ट्रक ड्राइवर हैं, ये जो ड्राइवर्स हैं, उनके खिलाफ जो कड़ा कानून लाया कि 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, वो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, उनको जैसे गुमराह किया कि हम अभी लागू नहीं कर रहे कानून। अब दिक्कत क्या हो रही है, आप देखिए सरकार की, मैं बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं कोई इसमें लाग लपट नहीं, सरकार न केवल गैर संवैधानिक काम कर रही है, गैर कानूनी काम कर रही है, बल्कि सरकार गुंडे की तरह एक काम कर रही है। क्या है, मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, हरियाणा के गांव गांव में खट्टर सरकार के गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन दिया है, और यह कहा गया पुलिस के माध्यम से अनाउंस हो रहा है कि अगर किसी ने भी किसान आंदोलन में भाग लिया, सो उनकी जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो जब्त कर लिए जाएंगे, उनके जो पासपोर्ट हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे, और घरों में जा जाके धमका रहे हैं पुलिस वाले कि अगर आपने लिया तो आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई खत्म कर दी जाएगी, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। ये सारी की सारी चीजें सरकार, आप ये कुछ संवैधानिक काम नहीं है। संविधान ने जो अधिकार दिया है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी जो आर्टिकल 19 के तहत हमें मिली हुई है, आप उसको छीन रहे हैं हमसे, और सरकार घोषणा करके कह रही है, पुलिस को भेज के ये सारे के सारे धमकी दी जा रही है। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ कभी, जो आज खट्टर सरकार कर रही है। इसके अलावा जो और चीज काम कर रही है सरकार, वो सरकार काम कर रही है कि जैसे पहले कीलें गाड़ दी गई थी, कांटे बिछा दिए गए थे, दीवारें लगा दी गई थी, हरियाणा बॉर्डर जो पंजाब से लगता है, हरियाणा बॉर्डर, वो तीनों चारों बॉर्डर इसी तरह से कर दी गए। अपने अन्नदाता को आप इस तरह से रोकोगे, वो अपनी बात कह ना पाए, अपनी बात आपके सामने रख ना पाए, आप उसके बात सुनने को तैयार नहीं हो। आपने मंत्री भेजे हैं, सो ये मंत्री किस बात के लिए हैं? क्या ये किसानों को गुमराह करने के लिए है? जैसे पहले, अभी कुछ दिन पहले आपने जो ट्रक ड्राइवर हैं, ये जो ड्राइवर्स हैं, उनके खिलाफ जो कड़ा कानून लाया कि 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, वो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, उनको जैसे गुमराह किया कि हम अभी लागू नहीं कर रहे कानून, क्या उसी तरह की कोशिश है? मैं किसानों के विषय में, जो कल 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का उन्होंने फैसला किया है, उसके विषय में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो बहुत स्पष्ट है कि हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा ये मोर्चा किसानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है, पूरी ईमानदारी से उनकी लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ेगी, अंतिम सांस तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और उनकी लड़ाई बहुत जायज लड़ाई है, कुछ भी गलत नहीं है जिस मांगों को लेकर वो यहां पर आ रहे हैं। आपको मालूम होगा उनकी मांगे क्या हैं? उनकी मांगे हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी है, सरकार एमएसपी की गारंटी दे, और गारंटी दे जो सरकार ने अपना वादा भी किया था दो बार, एक तो अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसने कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम C2 प्लस 50% वो देंगे, सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। और 3 कृषि कानून जब वापस लिए सरकार ने, उस समय जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के दौरान भी उसने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के एमएसपी को हम लागू करेंगे, ना वो कमेटी बनाई गई और ना ही एमएसपी पर कोई डिसीजन हुआ। हालांकि मेरा तब भी यह मानना था कि एमएसपी पर कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार डिसाइडेड है, सो आपको लागू करना है, कमेटी नहीं बनानी। पर फिर भी ना कमेटी बनाई गई ना लागू करने की बात। और दूसरा यह है कि जो इस है, ये एमएसपी है, इसको कानून का दर्जा दिया जाए। मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूं ये बात, न केवल कानून का दर्जा दिया जाए बल्कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए, ताकि कोई सरकार किसी तरह की इसमें हेर फेर न कर सके, किसानों का हक न मार सके। अब इसके आगे जो किसानों की और मांगे, उनका कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि जब ये किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, कि जितने भी साथी हमारे शहीद हुए हैं,
उनको मुआवजा मिलेगा, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी, यह वादा पूरा नहीं किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों को रोन दिया गया था जीप के माध्यम से गृह राज्य मंत्री के लड़के द्वारा, उनको मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, यह वादा पूरा नहीं किया। और दूसरा, इस्तीफा होना चाहिए था गृह राज्य मंत्री का, वो भी नहीं हुआ। तीसरी उनकी जो डिमांड है वो यह है कि जितना कर्जा है किसानों का वो कर्जा माफ किया जाए और उनको पेंशन दी जाए, किसानों को पेंशन दी जाए। कर्जे के विषय में मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अगर मोदी सरकार अपने यार पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में माफ कर सकती है तो किसानों के ऊपर जहां तक मेरी अब तक जानकारी है वो करीब 13 या 14 लाख करोड़ है, उन्हें माफ नहीं कर सकती। चंद पूंजीपतियों का, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हो, टिप्स पर गिन सकते हो, उनका 25 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं। और जो आबादी सरकार के आंकड़े के अनुसार 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं, उनका आप ये 13-14 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है, ये तो माफ होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। इसके अलावा और उनकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है कि जो नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड हैं, ये जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और ये रोका जाए, बंद किया जाए। जो इसके अलावा उनकी एक मांग है वो ये है कि जो बिजली बिल, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये डिमांड उस समय भी थी, उस बिजली बिल को वापस लिया जाए, सरकार उसे वापस ले, खत्म करे उसको। एक और उनकी डिमांड है, वो डिमांड मजदूरों से संबंधित है। उनका कहना है, बिल्कुल जायज डिमांड है, कि मनरेगा में जो मजदूर हैं उन सभी मजदूरों को, जितने भी रजिस्टर्ड हैं उनको काम मिलना चाहिए। और साथ में काम सरकार 100 दिन का कहती है लेकिन 50 दिन का भी काम दे नहीं पाती, और वो भी चंद लोगों को। सो उनका कहना है कि ना केवल 100 दिन की जगह 200 दिन काम मिलना चाहिए मजदूरों को, और जो 200, 250 और 300 तक की जो मजदूरी मिलती है एक दिन की, वो मजदूरी बढ़ाकर भी 700 रुपए प्रतिदिन की जानी चाहिए, ये उनकी एक डिमांड है। और एक और अच्छी डिमांड है कि जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों की जमीन को अडानी जैसे जो पूंजीपति हड़प रहे हैं उससे रोका जाए, कानून बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अनुसूची 5, संविधान की अनुसूची 5 जो है, जिसमें ये जो ट्राइबल एरिया की लैंड वगैरह है, इस सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो अनुसूची 5 को इंप्लीमेंट कराया जाए, ये डिमांड उनकी डिमांड है। शेड्यूल 6 वो 5 बता, ये है कि उन, ये सारी की सारी उनकी डिमांड है। सो किसानों से मेरा ये कहना है कि आपकी ये जितनी मांगे हैं ये ना पूरी हो जाए, और एक मांग और इसमें जो है कि जो मुकदमे थे वो मुकदमे सारे के सारे वापस लिए जाएं। ये तमाम मांगे किसानों की जब तक पूरी ना हो जाएं, सरकार बाकायदा इनको तुरंत लागू ना करे, तब तक आंदोलन अपना रोकने की जरूरत नहीं है। सरकार की बौखलाहट, सरकार का डर सबके सामने है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की गुंडागर्दी भी सामने है। हम इस कानून, जो जिस तरह की कार्रवाई ये सरकार कर रही है, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनका साथ देंगे, अंतिम सांस तक साथ देंगे। साथियों, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।